तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रोज़ाना आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं, और आज भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप राशन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे और एक नई साइट के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आपने वीडियोज़ हमारी अभी तक नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको जाकर के नीचे से देख सकते हैं। हमने वीडियो में बताया था कि आप राशन कार्ड कैसे बताएंगे, तो हमने वीडियोज़ लंबा ना इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट कॉर्ड में बताया था। तो उसमें किस कमेंट आए थे कि सर, जैसे कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया था ये देना जरूरी कि नहीं वो देना, तो आज की सीरीज में दोस्तों मैं राशन कार्ड के बारे में पूरे डिटेल मैं बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि आप राशन कार्ड आप कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से देखेंगे और उसमें क्या क्या कहाँ पे भरना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियोस को स्किप जरा भी मत करिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं रोजाना आपके लिए नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं रोजाना नई जानकारी पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज को फटाफट शुरू करते हैं। तो आपको अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। अगर आपको नहीं मालूम कि पेज कहां से आता है, तो आप कोई भी अपने वालों क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और वहां पे ऊपर सर्च मारेंगे उमंग इस तरह से, तो आप यहां इस साइड पर आ जाएंगे। तो आपको जो पहली साइड देखिए, आपको इसी पर क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। हमने आपको पहले बताया था कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं, तो आप उसको बना लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसको नीचे देख सकते हैं कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं। आप इसको नीचे इस तरह स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा। आप इसको और नीचे भगाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर व्यू पर दबा देना है तो आपके सामने जितना व्यू रहेगा सब खुल करके अभी आपको यहाँ पर जब आ जाना है तो आपको दोस्तों देखिए बहुत सारा मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्विसेज का, यहाँ पे करना मिले तो यहाँ पे थ्री डॉट पर दबाएंगे आप, थ्री डॉट पर, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर्विसेज का। अगर सर्विसेज करके ना मिले तो आपको कोई दूसरा लिख करके यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो भी है सर्विसेज के नाम से आएगा। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे सर्विसेज पे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, बहुत सारा सर्विसेज मिल जाएगा आपको। मैं इस तरह इसलिए दिखा रहा हूँ, मोबाइल को बिल्ड किया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपको यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा फ़ायदा, जो भी आप इसमें करना का चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो आपको राशन कार्ड बनाना है आपको नीचे इस तरह से आना होगा, और आपको यहाँ पे देखेगा, देखिए मैं दिखा दूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज। आपको कहीं पर भी हो यही आपको ढूंढना है। इसका देखिए कुछ इस तरह से ये देखेगा, अगर आपको ये ना मिले तो यहाँ पे आपको और नीचे भगा लेंगे, आप नीचे सर्च भी मार सकते हैं DESA, ये भी उसी का है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाई। आप जो भी यहाँ से जिस पर भी सर्च मारेंगे सब वही आएगा, तो आप इस पर सर्च मार लेंगे किसी पर भी। और सर्च मारने देखिए ये पेज खुला, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर राशन कार्ड। आप अप्लाई फॉर राशन कार्ड पर दबा देंगे, देखिए जब अप्लाई फॉर राशन कार्ड पर दबाएंगे ओपन पे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई फॉर राशन कार्ड। यहाँ से आप नया राशन कार्ड बना सकते हैं, फिर राशन कार्ड डिटेल्स जो आपने राशन कार्ड बनाया उसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं यहाँ। तो उसके बाद यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ से बनाएंगे तो आपको बनाने का डिटेल बताऊँगा। आप इस पर दबाएंगे अप्लाई फॉर राशन कार्ड पर तो आपके सामने ये डिब्बा खुल करके आएगा, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुलेगा, आपको देखिए यहाँ पे पहला चार पांच ऑप्शन पूरा करने हैं, पांच स्टेप। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हेड ऑफ फैमिली, जो भी जिसके नाम से बना रहे हैं उसका हेड कौन है उसका डालेंगे। यहाँ पे मदर्स का नाम डालेंगे, जो जिसका हेड है जिसका बना रहे हैं। यहाँ से आप फादर्स का नाम डालेंगे, जिसका आप राशन कार्ड बना रहे हैं उसके बाप का क्या नाम है। और इसके आप नीचे करेंगे आज इसको आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे इसके नाम ऑफ स्पेस। देखिए आपको मैं एक सिंपली तरीका बता दूं, यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है आपको ये भरना पड़ेगा, जिस पे स्टार नहीं बना उसको आपको नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ बनाएंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जिसके नाम से आप बना रहे हैं उसका हेड जो मेन है उसका। यहाँ से उसका जेंडर चूज करेंगे, आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे इस तरह से। यहाँ से उसका एज डालेंगे कितने साल का है, यहाँ से उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ से उसका नोटिफिकेशन चूज करेंगे यानी क्या काम करता है। यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, अगर वोटर आईडी हो तो वोटर कार्ड का नंबर डालेंगे। और सारी चीज़ें डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए नेक्स्ट पे एड्रेस में आ जाएगा, यहाँ से आप उसका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, और उसका डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लेंगे। और यहाँ से उसका तहसील चूज़ करेंगे, जो भी तहसील हो आपका तहसील जो भी लगता हो। यहाँ से उसका विलेज चूज़ करेंगे, कौन से गांव में रहता है। यहाँ से उसका आप पिन कोड डालेंगे, और यहाँ से पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे एक डिब्बा देखिए मैंने पहले से कर लिया, इसको एक्सेप्ट करेंगे। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है
जो आपने ऊपर फिल किया है इसमें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आप इसमें नीचे ये डालेंगे। अगर आप कहीं रहते हैं, दूसरी जगह हैं, दिल्ली मुंबई बाहर रहते हैं और आपका घर जो है दूसरी जगह पे है, तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। इस तरह से आप डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक बटन मिल जाएगा नेक्स्ट का, या एड्रेस डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप नेक्स्ट पर तो आपके सामने देखिए तीसरे पे आएगा अदर डिटेल्स। यहाँ से आप अपना एक बैंक नेम डालेंगे, जहाँ पर भी रहते हैं आपका बैंक कौन सा है। यहाँ बैंक ब्रांच डालेंगे, ब्रांच का नाम। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ से आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे और आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से आपको तीन चार कैप्शन में डाल दीजिए आप क्या करते हैं। यहाँ पे सैलरी में डाल दीजिए आप महीने का कितना कमा लेते हैं। ओल्ड RC नंबर आप इसको छोड़ सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ एक बटन मिल जाएगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गैस डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट कनेक्शन टाइप कर लेंगे, आपका HP है या इंडियन है, तो आपका कौन सा गैस यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंपनी नेम चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम अपना चूज़ करेंगे, यहाँ पर जो है अपना एजेंसी नंबर चूज़ करेंगे, आपका गैस की एजेंसी कहाँ पर है। यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर चूज़ करेंगे, यहाँ पे भी कंज्यूमर नंबर दोनों डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक तो आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा। अब आपको अपने राशन कार्ड में जिसका जिसका भी नंबर जोड़ना है आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन मिल जाएगा आपको एडेड, आप एडेड पर क्लिक करेंगे इस तरह से। एडेड पर क्लिक करने के बाद जिसका जिसका भी नाम जोड़ना चाहते हैं इसका देखिए यहाँ पे लिखा है मेम्बर्स नेम, मेम्बर नेम डालेंगे, उसके माँ का नाम डालेंगे, बाप का नाम डालेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ स्पेस जिसका डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ करेंगे कब पैदा हुआ, यहाँ से जेंडर चूज़ करेंगे फीमेल है कि मेल है, और उसके बाद यहाँ से उसका एज चूज़ करेंगे, उसका मोबाइल नंबर चूज़ करेंगे, नेशनलिटी चूज़ करेंगे कोई काम वाम करता है कि नहीं। यहाँ से आप उसके बैंक का नाम भी डाल सकते हैं, बैंक ब्रांच डालेंगे, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ से कोड डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, रिलेशनशिप डालेंगे यानी जिसका आप अपने राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं वो आपका क्या लगता है। यहाँ पे एक ऑप्शन चूज़ करेंगे, एनुअल सैलरी चूज़ करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें भर के NRI ID डालेंगे, जिसको छोड़ भी सकते हैं NRI ID। और डालने के बाद आपको नीचे एक बटन मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपके यहाँ पे मिल जाएगा एडेड का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए मैंने बाल बेल किया, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपको एडेड दबा मिल जाएगा। आप एडेड पर दबाएंगे तो ये फैमिली एड हो, इसी तरह आपको जितना कोई जोड़ना है आप एडेड पर क्लिक करेंगे, इसको ऐसे से जोड़ देंगे। बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट का बटन, आप ये नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ऐसे से आप अपना राशन कार्ड बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपके माइंड में अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसी तरह रोजाना नई वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।